आइए जानते हैं Redmi Note 8 क्यों खरीदना चाहिए। Redmi Note 8 की एक खासियत ये है कि इसका गुड बैटरी बैकअप है। 4000 mAh की बैटरी है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ टेक्नो से तो उसमें Redmi उसके मामले में नहीं है, ठीक है। और बात किया जाए तो इसका स्टोरेज 64 GB का स्टोरेज है, रैम भी 4 GB है, और ये इसका जो अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.30 inch का यहाँ पर डिस्प्ले है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है। फ्रंट कैमरा 30 MP का है, 13 MP का यहाँ पे कैमरा है। बैक साइड की बात करूँ तो 48 MP का कैमरा है, प्लस 8 MP, प्लस 2 MP, प्लस 2 MP का इस तरीके से कैमरा है। 4 कैमरे आपको बैक साइड में दिख रहे होंगे। अच्छी चीज़ ये है कि इसका फुल HD स्क्रीन है, गुड बैटरी बैकअप है। बुरी चीज़ ये है कि इसमें गेम के लिए इतना खास नहीं है ये, ठीक है। और कैमरा में थोड़ा और कैमरा क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, लेकिन इस प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही है। 12,487 का फ्लिपकार्ट में मिल रहा है, आप खरीद सकते हैं। और अगर आप अमेजोन से ख़रीदते हैं तो 12,900 का आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए ज़रूरी थी। कलर्स में तो बहुत सारे कलर है, कॉस्मिक पर्पल, एम्बर ग्रे, बहुत सारे अलग अलग कलर है, तो आप ख़रीद सकते हो, ठीक है। स्क्रीन साइज़ भी अच्छी खासी है, 6.30 है, टच स्क्रीन है, रिजोल्यूशन है, तो और प्रोटेक्शन टाइप गोरिल्ला ग्लास है यहाँ पे, तो अच्छा खासा मोबाइल है। अगर प्राइस के अकॉर्डिंग तो ठीक ठाक ही है और अच्छा भी है, ज़्यादा हैंग नहीं होता है, तो आप लोग ले सकते हैं इसको। और गेमिंग के लिए, लेकिन गेमिंग पर्पज़ से लेंगे तो गेमिंग के लिए इतना खास नहीं है। अगेन मैं बोल रही हूँ, क्या ये मेड इन इंडिया है कि मेड इन चाइना, आप ये इंफॉर्मेशन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये चाइना में रखा गया था इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि भाई ये मेड इन इंडिया है कि चाइना का है, आप बताइएगा जरूर कमेंट में, ठीक है। और फेस अनलॉक भी है इसमें, फिंगरप्रिंट सेंसर है, कंपास मैग्नेमीटर है, प्रॉक्सिमिटी है सेंसर है, एक्सेलेरेटर। मैं आपको लिंक दे दूंगी तो आप वहां से जाके प्राइस इसका देख सकते हैं। वैसे भी मैंने बता दिया है, आपको खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं। गाइस कैसा लगा रिव्यू जरूर बताइएगा। ऑलरेडी मैंने वो दो टेक्नो और Infinix 0 अटैक खरीदा था और आपको दिखाया भी था। प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा।